स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन मॉम रिव्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे बजाज फूड प्रोसेसर की, तो जिसका मॉडल नंबर है FX11 फूड फैक्ट्री। इसमें बहुत सारे ब्लेड और ये सब दे रखा है। इसमें 2 ईयर्स की वारंटी है इसकी, और मोटर वारंटी जो है वो 5 साल की है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या सामान दे रखा है। तो मैनुअल दिया हुआ है और वारंटी कार्ड दे रखा है। बजाज का है तो बजाज का वैसे भी बहुत मोटर वगैरह इसकी जो है वो अच्छी होती है, और इसमें बहुत सारे ब्लेड वगैरह दे रखे हैं, बहुत सारी एसेसरीज हैं, तो बहुत आसानी से काम हो जाता है और जल्दी हो जाता है। इसमें आटा भी गूंथ सकते हैं किसी भी तरह का, बारीक कटाई जैसे प्याज टमाटर और सब्जियां, स्लाइस करना जैसे खीरा आलू सलाद वगैरह, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये फूड प्रोसेसर। जूसर है, किसी भी तरह का जूस हम निकाल सकते हैं। बस जूस निकालते समय स्पीड को न्यूनतम रखना है। इसके ब्लेड बहुत धार वाले हैं तो इनको इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना है। इसमें सूखे मसाले प्यूरी दोनों अच्छे से पिस जाते हैं, नारियल को भी घिस देता है, तो किचन में जितने काम होते हैं ये सब कर देता है अच्छे से। और बहुत सामान इसमें दे रखा है, 3 जार हैं, जूसर है, तो इसमें ब्लेड्स हैं, इसको चेंज करना होता है ब्लेड्स। और इसमें दो तरफ दे रखा है मोटर, जो कि हम दोनों तरफ हम पीस सकते हैं, एक साथ भी पीस सकते हैं, अकेले अकेले भी पीस सकते हैं। तो इसमें नोब है और इंडिकेटर लाइट है, ऑन होगा तो जलेगा ये। और इसमें ये देखिए सेफ्टी कवर है, इसको खोलेंगे तब जार लगाएंगे तब चलेगा, और अगर हम सेफ्टी कवर बंद करेंगे तभी ये वाला चलेगा दूसरा जार, अदरवाइज नहीं चलेगा। और ये बटन है, प्रेस कर देंगे तो निकल जाएगा। और इस तरह से जो है इसको फिट करना है, टक से आवाज़ आएगी तो समझ लीजिए फिट हो गया है, और जब तक फिट नहीं होगा तब तक चलेगा नहीं। और अगर आपको दोनों जार चलाने हैं, दोनों मोटर चलानी है, तो आप सेफ्टी कवर हटा के और लगा दीजिए इस तरह से दोनों जार, और आराम से जूस वगैरह जो भी निकालना है पीसना है कर सकते हैं। और जब आपको एक ही चलाना है, नीचे वाला चॉप करना है या आटा गूंदना है इसमें गूंदेगा, तो आप ऊपर जो है वो मोटर में सेफ्टी कवर लगा दीजिए इस तरह से। जैसे ये जूस निकालना है तो जूस वाला लगा दीजिए आइटम, ये आटा गूंदने के लिए होता है इस तरह का। मैं आपको करके बाद में डेमो दूंगी कभी। तो इस तरह से जो है जब तक अच्छे से फिट नहीं होगा दोनों मोटर में, तब तक जो है आपका प्रोसेसर, ये जो मिक्सर है, नहीं चलेगा। और इसमें इस तरह का जो ये ब्लेड दे रखा है सांचा, इसमें ब्लेड फिट होते हैं, तो अलग अलग तरह के ब्लेड हैं। जो काम करना है आपको, जैसे घिसाई करनी है, गाजर घिसना है, तो ये ब्लेड लगेगा। इस तरह से बस प्रेस कर देना है, सेट हो जाता है, और बड़ी आसानी से लग जाता है और निकल भी जाता है आसानी से। बस ध्यान ये देना है कि शार्प बहुत है तो सावधानी से करें कोई भी काम। तो बहुत सारे ब्लेड हैं, चॉपर वगैरह भी का काम जो है वो आपका आसानी से हो जाएगा चॉप करने का। स्लाइसर है ये, और
इस तरह से जैसे लौकी का जूस निकालना है या खीरे का, तो आप चेंज कर करके निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला जार है मैंने लगाया, इसमें आप चुकंदर का, इसमें नीचे ब्लेड दे रखे हैं तो इसमें ब्लेड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये जूस निकाल देता है और छान भी देता है। और बस ध्यान ये देना है कि आपको अगर एक नीचे चॉप करना है सब्जी वगैरह, तो आप जो ऊपर है सेफ्टी कवर जो है दे रखा है, ये लगा के ही यूज़ करना है। और वैसे भी अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो चलेगा ही नहीं आपका मिक्सर। तो इस तरह से ये मुझे सही लगा कि इसमें सेफ्टी बहुत दे रखी है और नीचे भी रबड़ सा दे रखा है, तो ये एकदम चिपक के बैठ जाता है, हिलेगा नहीं। इस तरह से आपको जार फिट करना है, तो सेफ्टी कवर हटाया और जार को फिट कर दीजिए। और जब तक सही से फिट नहीं होगा तब तक वो जो है मिक्सर आपका चलेगा नहीं, तो ये चीज़ इसमें अच्छी है। और वायर बहुत लंबा दिया हुआ है तो आप इसको लीजिए, अच्छा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।